ले चाय पी ले। सद गए। अरे वो खिंच गई बहू, तू ले आई चाय। वाह, एक तो डांगरा करण जा रही है, एक जीरी मजा रही है। जीरी झाड़ कर लिए आओगी थोड़े बहुत, न्यार फूस हो जाएगा डांगरा ताई। घरा को है ना था, खांसी उठ रही थी, तेरा कहीं आना होगी। माले एक घूटा चाय बना कर दे दू। तेरी क्या संग से, तेरी भी गल लिया थोड़ी कि मैं दे शिका। मेरा कति जी नहीं करता, कड़वा थोपड़ा हो रहा कति जमा। ना रोटी बांधती ना चाह बांधती, उल्टी लागण ना हो रहा है। दवाई ले ली थी? दवाई कितने लू थी, दो दिन हो गए सपड़ी पड़ी है दवाई। वो छोरा जा रहा है सुरेश, नु कथा मामा ले आऊंगा। सुरेश पे पैसे दे रहे थे गलत, बावली आई थी जी दागी दवाई। के करा करम करोड़ अरोड़ू होड़, इब छोरे ने पेपर भी बतेरे दे रखे बेचारे ने, इतना है नंबर पड़ा तो के करा। ये भी दाड़े तो बतेरे भुगता है, क्या करे ना, आदमी पाछा लाग जा तो पंडा छुटा ले। जब ये राम पाछा लग गए ना फिर कितने लोग ले जगह को ना सैना। तो क्यों चिंता करे सैनी, 12 साल में तो कह अगर कुड़ी की बावड़िया अपने भी आऊंगे दिन, देखो कद सी आओ हवे ना तो छोरे ने कसर छोड़ रखी खूब बात कर। अपना बजो क्यों में था वो सारा इन्हें फलाद रखा, अगर दिखा कुकरे कामयाबी हो जाए कोई चल रहा अपना पाया पर खड़िया हो जाए। यह इतनी बखत तक कहता आ गई आज जीजी, बड़ी तावड़ी आएगी, क्या बात होगी? तो तावड़ी ने केनू था, मारगात दा किला था, 10 जने जाड़ा नाले बुला रखे थे, जाड़ जुड़ दिया। नो सोची थी 2-3 गठड़ी बंद जाएंगी, वह एक गठड़ी बंदी है नरेसर के बग्गे में गिर का ही हूँ, आ जाएगी घर। चल कोई ना, फिर जितना अपनी किस्मत में हो उतना ही मिला करे, मूड क्या तो खराब करे। मूड खराब तो न्यू है, न्यू सोची थी अग 2 दिन का न्यार हो जाएगा, वह एक गठड़ी बंदी है, आज का मुश्किल तो सदगा उन्हें। कोई बात नहीं बेबे, जो जितना किस्मत में होगा उतना ही तो मिलेगा, फालतू भड़क ना ले। चल चलेंगे ठाले तसला, ये थोड़ा सा रह रहा सहजन पाथ लेंगे, सहज वाला ले आवेंगे। जो बाबू तो दवाई दे दी थी, दवाई तो खत्म हो रही है। खत्म हो रही है दवाई तो। ए रुक रीना, किजा है? घरा जाऊं रेखा। आए बेबी फिर सिलाई कौन देनी तने? देऊंगी रेखा, बस वो घरा सासा ससुर ना दोनों बीमार हो रहे हैं, और घरा गई जब वो रपे ले आई थी ना उनकी दवाई दवा दी वे, थोड़ा टाइम और रुक जा फिर दे दूंगी तने। बेबी मन तो देख घने दिन हो गए रुकती ने, ये भी इतना और ना रुकया जा, सूट लियाओ जबर जब की तरफ आ जाए तब दो। वो तो रेखा मैं पहल की गेड़ी घर गई जमरी माँ ने बांधे थे, और घर पैर ने सूटे ना रह रहे थे जब मारे छमुआ लिए थे, पर तू बस 10-1 दिन और रुक जा मैं फिर दे दूंगी सिलाई तेरी। 10 दिन कहती ना तने, 2 महीने लगा दिए पूरे, ये बना डटा जा बेबे। घर के हालात माड़े हो रहे हैं रेखा, तेरे पीछे दे देंगे कौन सा हम काम छोड़ के बाज जाए। बस हफ्ते की और मोहल्लत दे दे रेखा, मैं घर पहुँचा दूंगी बे। हाँ देख बेबे मजबूरी तो मैं समझू हूँ, ठीक है ये एक हफ्ते की बात हुई है ना, इसका बाद मुझे कहना नहीं पड़े, ठीक है? को नहीं करना पड़ेगा, मैं घर आया आकर दे जाएंगे चाहे मेरी सासू दे जाएंगे। हाँ देख जाने पड़ेंगे बेबी, ठीक है ठीक। हाँ ठीक से बता शर्म आवे है, लोग टोके है गाल में तो कहेंगे भाई अगला का काम है यो। बता होया के मारा दे रहा के मारे फिर का दर्द बाबू हो भाई दिया तो है आराम तो खड़े हो सुना के लिया भाई तो भाई लिया है बाबू दवाई तो ये तो 2 फर लेनी है। अरे ये तो ले लेंगे भाई, तो दवाई लेने का जुगाड़ भी हो कि दे दे
तू अपू रैनी लाग रहा था नौकरी भाई वाह कर ली अपनी है और बेटा नु कत्ता है यार उधर ठाठा कत्ते ही दवाई ले आऊंगा तो बाबू नु बताओ मने थमने मैं इतना पढ़ाया लिखाया हूं मोटरसाइकिल है एजेंसी में लागण खतर पढ़ाया था के फिर भाई एक नु कह अगर बड़ी करना छोटी करना मां किसी बात करन लाग रही तू क्यों को ना मिलेगी बड़ी अरे नु बता वो मोहित देख ले विदेश चला गया तो उनका तो ब्यों था जब मारे चला गया उसके के ओड़ो है अपने पे हाँ भाई अपना घर का ब्यों दिखत कोई डंगडोल दिखत ना और दवाइयां के पैसे को ना पांदे शर्म और आने लगी ये बहु पर पैसे मंगा के दवाइयां हो सामने और तू विदेश के सपने देखे बाबू नु हाथ पाथ धरे बैठे रहवांगे ने तो नु ही मोहताज रहना पड़ेगा फिर हाथ पा हाथ दरे क्यों बैठा है छोटा मोटा कर क्यों ना लियो आपके में काम इतने बड़ी सीढ़ी का भरोसा बैठे आप भाई बहुत सही कहने लग रही है और मोहित का के जे करा है उनका तो लाई आग ना लगती तीन तीन तो सरकारी नौकरी पर लिया उनका वो तो कितने भी भेज सका है बेटा तो माँ वो टाइम थारा भी आज का है जब मैं विदेश चला गया तो भाई आदमी ने पाँव उतने फैलाने चाहिए जितनी छोड़ो और अपनी कुंजियास तो कौन अड्डता है जान की और जाओ आप विदेश तो पार पड़न की बात से बात तो पार पड़न की कौन बाबू पर नू बता दे कुकरे हो टोटा दूवे तो भाई अपने पूरा कर ले इतना सरकारी ना मिला इतना कोई छोटी मोटी कर ले घर का गुजारा चल जाए न्यू तो सह को नहीं अका पढ़ लिखना रहे छोटी मोटी नौकरी कितने भी मिल जाएगी आपने तो यो कर्जा नू ना दूवे इस खतर कमाई भी अच्छे अच्छे चाहिएगी तो भाई खुशखबरी है वहाँ खुशखबरी के लिए है ज्वाइनिंग लेटर है भाई का ये तो क्लर्क नहीं लगे थे हाँ उनमें लगे भाई सुरेश ले ये तो अच्छा काम हो गया भाई ले भाई सरकारी मिल गई कितने टेंशन ले रहे थे और एक नौकरी की बात चल रही थी मुकेश ठीक हो गया बेटा ये तो भगवान ने चौकी सुन ली वो क्या करना दिया कि माँ खीरा मुड़ा हुआ है तो ये बतीरा टोटा भुगत लिया ये सो धंधे ना आवेंगे भाई तो सरकारी से तेरी खूब अच्छा पूरी होगी दो आने आप पे ना आ जाएंगे ना आप उतर जाएंगे मैं बना दूँ मीठा क्या है मैं बना दूँ मीठा और अलवा बना ले अपने ठीक से ये तो खुश हो जाओ ये भी मुँह लटका रहे हो आप तो अरे यार मेहनत तो माँ बाबू की है थोड़ी मेहनत करी है आप पे पढ़ाई पे बेटा ऐसा ऐसा मौका नसीब वाले वड़का ना मिल लिया करे ये भगवान ने तेरी सुन ली तो अपना कर नौकरी अपना दो पीसे घर आवेंगे न्यू क्या कर उधार ठाएं ठाएं ताना वाजा करती बेटा वो देने भी पड़िया कर ठीक से मां देखती जागी जो होगी अरे ईव के होगी ईव तो बढ़िया बात होगी बेटा ईव तो हमें टेंशन ना लो मां मैंने भी फॉर्म भर रखे हैं कितने कितने मेरा भी सूत बैठ जाएगा अरे बैठेगा बेटा बैठेगा मेहनत करी ओढ़ कितने बेकार को नहीं जाती बनू है बेटा थोड़ा सबर संतोष तो देख करना पड़ेगा गादड़ की तावड़ में बेर नहीं पा क्या करते भाई सरकार में साथ जाओ सा ना हाँ आप लाग जाए फिर मानस हाँ तो बाबू थोड़ी मेहनत थोड़ी न कर रखी था ना एक टाइम की रोटी कौन खाया करता किस ते कमावा हाँ अपने औलाद खतर करया है बता हमने क्या एहसान कर दिया बेटा तो मैं भी तो नीचे गया था बैठी तू ऊपर बैठ ना जा अरे ठा दे भाई मन आजा ये तेरे बाबू का श्रद्धा बू थी तुम खा दवाई कौन लेके आया था वो ली आया दवाई ली है भाई दवाई ठीक से बाबू ले ले दवाई दरियान दे भीतर ले जाऊं ले जा भीतर ले जा ले ली दवाई और तो रोटी खा के ले ली खिचड़ी बनवा दी आज थोड़ी ही हां जरा हमने के सुतरी सुनी से घणी बढ़िया सुन लिया तो ये भाई सारा काम ठीक हो जाएगा नु कोई आकर आत्मा ना दुखाओ किससे की परमात्मा ना आज ना तड़के जरूर सुनाएगा हर माने को एक लग गया है दूसरा भी लग जाएगा शाणा हां दी आवे है ना तम्मी भी आवेगा बात तो है ये बात तो होगी ले घणिया दूसरा भी लग जाएगा और के सुनोगे के बात हो रही है बाहर भी देखूं थी इतनी बड़ी खुशी की बात है पर आप खुश को नहीं हुए
इबी भी स्लेटर ने देखन लग रहे हो ना ऐसी कोई बात को नहीं बता ना के बात है फिर नो मुंह क्या लटक रहा जब बात को नहीं के मैं मेरा के मैंने कदी सोची ही कौन थी अब कदी मैं कोई छोटी मोटी नौकरी भी करूँगा जब मेरे माँ बापू ने इतने रुपये लगाए हैं मेरे पे तो कुछ बढ़ाई करूँ एक बात कहूँ आपने हमेशा ना कामयाब होने खातर पहली सीढ़ी पे पाँ टेकना बहुत जरूरी हो है हर आपकी सोच किसी और ही है आप सीधा ना मंजिल ना छोड़ना चाहो ऐसा क्यों करो जाएगा रीना अगर मन ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया न तो मैं इस पहली सीढ़ी मल जा रह जाऊँगा हर इस घर के हालात फिर कदे नहीं सुधार सकता मैं कौन से बड़े कदम की बात कर रहे हो आप मैं तो वाय ना समझ पा रही घर के हालात देखो कितने खस्ता हो रहे हैं जेब या नौकरी ना करोगे तो फिर के खावांगे कड़ते माँ बाबू का इलाज करवाओगे कदल कर्जा ठाठा कर गुजारा करांगे ना मुकेश के मैं करता अरे बाप ने कि मैं करण का मौका मिला है तो आप नो कहो अक मैं यू काम को नहीं करूँ देख जड़े इतना कर्जा ठा रखा ने थोड़ा सा और सही पर मनू बेरा है अगर मैं एक बार विदेश चला गया ने तो किसी ने दूसरे का मुँह देखने की जरूरत कौन पड़ेगी बोले हो रहे हो के विदेश जाने के सपने बड़े अमीर घराने के बड़का के होया करें अपना इतना ब्यौत को नहीं है ना अपना ऐसा परिवार है आप चले गए तो हड़े पाछे तो हमने कौन संभालेगा संभालने मुकेश रहा हर न्यू बता ब्यौत क्यों को नहीं प्लाट रहा रोड वाला अगर वो बिक गया तो मैं विदेश चला जाऊँगा बाड़ी तो नू कौन जान देगे अगर मैं कामयाब हूँ किसी बोली बात करने लग रहे हो आप आगे तागे खर्चा कम को नहीं हुए बढ़ेंगे कल अपने भी बालक होंगे मुकेश भी ब्याह रखे उसके भी बालक होंगे यार किस किस का गुजारा होगा छोटे ढूंढ में नू सोची थी ना कुछ प्लाट में अपन एक दो कमरा बना लेंगे एक आधा जना उड़ रहने लग जाएगा आम आड़े रह लेंगे इब कड़े गई वे बात किसी बात करने लग रही है तू इस नौकरी ते सिर्फ कर्जा कर्जा उतरेगा कमरे बनाने की तो भूल जा अरे एक बार मैं विदेश चला गया तो इसे इसे घने प्लाट ले लेंगे देखो मेरा तो आपकी कोई बात पल्ला नहीं पड़ रही है अरे के तो माँ बापू ने कहोगे बेचारे इतने राजी हो रहे हैं बारहवे है सारे सपने टूट जाएंगे उनके तो बेरा के है माँ बापू ने सोच रखा है सिर्फ नौकरी तक अक नौकरी मिल गई मेरे दोनों बालक खुश सही सेट पर मैंने बहुत कुछ बड़ा सोच रखा है ताकि कल ने मेरे बालक भी भूखे ना मरे मेरे बालका ने भी ये हालात ना देखने पड़े जो मन्ने मेरे भाई ने देखे तो चुपचाप क्यों उठका गया बोले क्यों ना उड़े इब कौन का होगा उनने कौन ही करना चाहता वो या नौकरी वो तो विदेश जाना चाहे मैं कौन ही कहूँ देख मेरी बात सुन एक बार माँ बाबू अगर जिक्रा कर दे तेरी बात तो वे जमाना टाले इतना सोचेंगे एक बहू की भी सलाम है होगी क्यों मन्ने भी बुंडी करने लग रहा है इसमें बुंडा क्यों ना है और के नू सोच दूंगे अपने अपने बारे में सोचने लग रहे हैं मारे बारे में तो कोई सा भी ना सोचता उनने के बारे में तो सोचने लग रहा हूँ लगता तो कौन इतनी बात है और ना वे मानने इस बात ने जो सोचता भी होगा तो तू मनाओगी ना तो मान जाएंगे घनी बड़ी बात को नहीं आ मेरे गण में क्यों गिरन लग रहा है आफत मन ने जिक्रा करके देख लिया काना पर कटाल दी बात चल ठीक है देख बाबू कशा मैं बोलन की हिम्मत को नहीं मैं माँ तो बात कर लूंगी कोई नहीं तू कर ले बात ठीक से बर्बाद बन जाओ तो क्या नहीं इस घर में रहना है सारे की लाइफ सेट है मन को ना दिखता कि मैं इसमें आप छाट देगी रीना ये इसने उड़ दर का बेटी गम दर दे नरी तो सुड़सी हो रही हैं और नरे बुरड़ हो रहे हैं इतना कहूँ सु रीना क्यों हो रहा है मक्का पे बोली इतने बेरा मैं कितनी अनगी खड़ी हूँ वो मेरा ध्यान कौन था माँ हाँ बोल के को थी पहला नहीं बता तेरा ध्यान कि था ना माई से कोई बात को नहीं आड़े है ध्यान बात क्यों ना बाण काल की देखन लाग रही हूँ मैं तू घर सहे को ना तेरा दिमाग और की ते है अरे इब तो छोरा भी नौकरी लग गया इब तो कोई टेंशन भी को ना
पर वो तो इससे बात की टेंशन ले रहा है की? नौकरी लग गया। क्यों? उसने नौकरी करनी है को ना अम्मा। और वो तो नो कहा मैंने विदेश जाना है, और विदेश जाए भी ना तो इस घर का कर्जा दूर हो और ना इस घर के आदमी शांति से रोटी खा पाऊं मैं। रीना की आ रही है उसके मन में? उसके सपने बहुत बड़े हैं माँ, जो उनका हार्ड है इस नौकरी तो पूरे को नहीं हो, विदेश में जानते हुए सपने पूरे होंगे। तो तू एक बात बता बेटी, इतनी कुआन की के मारी हिम्मत से है? जब मारा जुगाड़ होता तो हम बालक ने बोलना को नहीं देते। तू नू बता दे विदेश के 5-10 रुपया में जाया जा बेटी। तो माया बात मन ने भी समझाई थी, पर मेरी बात उनका समझ में को नहीं आई, बल्कि उससे ने मैं समझा दी। नौका है वो जो अपना आधा प्लाट नहीं है, नौका जब उसने बेच कर न एक बार मन तुम विदेश भेज दोगे ना तो इस बर्गे में घने प्लाट खरीद दूंगा उड़े जाए पाछा, और मुकेश की भी सारी जिंदगी आगे की सारी सेट हो जाएगी, मेरे माँ बापू भी राजी रहेंगे, अपनी भी जिंदगी बन जाएगी, अपने बालक होंगे कल ना उनकी भी जिंदगी बन जाएगी। रीना बेटी मैं मानू हूँ सपने घने बड़े हैं, सपने पूरे करण ताई पैसा भी चया करे, और पैसा मार दो रसा नहीं, रही बात प्लाट की बेबी मित्र बाबू आके जकरा करके देख लूंगी। हाँ। तो नहीं बता बड़का है तो ये है जो कि मैं है, ये बालक भी दुखी ना देखे जानते मरे पर। माँ फिर प्लाट कौन सा नू है कि नीन का है, मुकेश का भी तो हिस्सा है, वह बात उनने तो घिसड़ दे ही कह दी एक बार भी ना सोची, पर मेरे तो सारी बात समझ में आ रही है ना। देख बेटी प्लाट ते वह किस्से के नाम को ना, प्लाट से तेरा बाबू का नाम, और मैं तेरा बाबू तो एक बार बात करूँ हूँ, जब प्लाट देना पड़ गया तो मन बेरा मेरे बेटे इसे को ना मुकेश की मैं को नहीं कहूँ क्षमा कर ले भाई, इसने गाम मत रख दे, उनकी तो हिम्मत ना हो रही बापू के शामे जान की। मैं करूँगी बात ठीक मैं। हाँ मैं हो रही है कर लूँगी माँ, सुलसी हो रही है थोड़ा गाम मत रख दे फिर फटकारूँगी। उसका दिमाग खराब से के यम्मा से सरकारी नौकरी मिली से इसने छोड़ दिया है, क्या करेगा उठ जा कहो इतनी मुश्किल तो हमारे से नौकरी मिली है, अरे भी ना छोड़ना ना बाजन लाग रहा है। और वो सह की तूने बुला चली एक बार सुरेश उरा एक बार बाबू बोला है भाई प्लाट की कवा है भाई माँ की प्लाट की कवा है, मैंने कहूँ बढ़िया नौकरी है पंखा नीचे बैठे रहना है। तेरे के दिक्कत छो भाई तू क्यों इस नौकरी ना करता, के तेरे विदेश विदेश लाग रहा है, और मनू बता तू आज इस प्लाट का ना तल नींगा टेक ली, इसमें तेरे एक लगा अक्स है के इसका भी तो अक्स है, यो क्या लागेगा रे। तो बाबू मैं भी सारे खातर सोचने लग रहूंगा, अगे अकेले खातर सोचू मैं। तू सारे खातर सोचता है को ना, सारे खातर सोचा तो बाबड़ा है नौकरी कर लिया तू। बाबू नौकरी में के है के 30,000 रुपया हम बनेगा। अरे माँ का के भरोसा जेठ जी ना थारा काम लग गया, यो प्लाट भी गया और थारा काम भी गया हाथे। हाँ उल्टी पहले है सोच लो सारे। भाई मेरे मैं कहूँ रह रह जा, इब तेरे जाए बादशाह भाई कौन संभालेगा, निन्ना बाबू बीमार हो जाए निन्ना माँ बीमार हो जाए, इब मैं घर तबार चला जाऊँगा, एक आधा तो होना चाहिए ना। तो वही चीज मैं कहने लग रहा हूँ तू रह लिए भाई घर ने। भाई कि मैं काम धंधा तो मन भी देखना पड़ेगा सुरेश। भाई अगर मैं कामयाब हो गया ना तो किसी ने धक्के खाने की जरूरत को नहीं। सुरेश भाई मैं कहूँ इस नौकरी तो बढ़िया किमी को नहीं, सामने घर ना होगा यार ये बुढ़ा एकला पड़ा रहेगा। भाई एकला को नहीं वो मोहित जा रहा उड़े, वो बस नूका है तू आ जा बाकी काम मेरा है। भाई किमे को नहीं देख उड़े तो काम की सेटलमेंट हो रही है तेरी, उड़ जाए बस तेने कद तो काम में लगा और कद तू सेट होगा, इतना बहुत टाइम निकल जाएगा भाई कम तक माँ बाबू का नहीं देख ले। कोई सा बुलाकर थारा साथ भी ना दे वहां से। कोई ना दे भाई साथ समझ गया, अपना चुपचाप ही नौकरी कर ले, हो रहा है विदेश वादेश मेरे गेले पढ़िया है वो ईसा बालक को नहीं जानू मैं उसने। अरे हमने भी देर दुनिया देखी से या समझ गया सब की मैं जाना था मान जा किसे की। बाबू थमने मैं इतना पढ़ाया लिखाया इससे नौकरी खतर के कद लगी ढूंढ में जिंदगी काटांगे, उनका मोही तोर का घर देख अपना भी ईसा उसका है। एक बात बताऊं तू भी बोल लिया और ये छोरा भी बोल लिया, जब अगले का जानना जी कर रहे हैं तो जान दे है? बालक से नू कह अगर जिस काम में लगन हो ना बालक की वो कर ले तो फायदे में रहे हैं। तो फिर विदेश के माँ बाप तो जायजा है, खर्चा भी तो लागेगा,
वो तो बता भाई, कर तो देगा। अरे मेरी बात सुन, तो प्लाट प्लाट का काम थोड़ी ना चल जाएगा, वो गोबर पाथने की जगह है, कौन लेगा उसने? जो भाई डगा दो, तेरा भी दिमाग चल लिया किसके गल गल है? तू न्यू बता, अगलाड नौकरी नहीं करना चाहता, उड़ जा के कमाना चाहवा है, तो जा लेने दे शाना। यो सारा है देश बाहर न जा कमाओ सके, अपना हिसाब किताब भी देखा था कि मैं बाबू सबकी बात भी ना बढ़ती। हाँ ठीक कह भाई, तो बेटा मेरी बात सुन, देख तू गाल का ऊपर से जमा प्लाट, उड़ा दुकान दुकान लेकर जाएंगे ना। अरे तेरे भाई ने कह दी ना, अखी सही से प्लाट मकई ले लूंगा, तो तेरे तिले वगा जब दे देगा बेटा, कोई बात ना, अपने भाई थी तू इतना भी ना कर सकता। तो बात से इब तारी दुआई थी लेने के पीछे कौन रंधे उन्हें समझ में आवे। अरे ये गलत बात से मां कि दोनों बच्चा में दुरात करो हो, एक के बारे में सोचन लग रहे, एक के बारे में कुछ भी कौन सोचेगा, डट जाएगी एक बार। मैं तो डटे रही हूं। तो फिर ठीक है भाई, बहू गलत के कैसे भाई रे, बेच देंगे उसमें और चला जाइए। ठीक है तावल करियो, हाँ। इसको जवाब भी देना, फिर मैं पीछे काम बन। तू दे दे जवाब, दे देने को मैं आऊंगा और मैं करवाऊंगा, कर दे उस प्लाट न तड़ कर दे दे किसी ताई। मैं सोच लिया के सोचना है माँ, इब नौकरी मिल रही थी ठीक तो थी। कोई बात नहीं बेटा, एक आधी बह ना बालक की गेला भी चलना चाहिए, सारे अपने मन की ना चलानी चाहिए। और बालक की सारी पूरी करने लग रहा था, नौकरी लगी करी तो लाग रही नौकरी कर कौन लेंदा अपनी ना। बता तने पैसा लाया तो इसने के मैं बिरान करया है, पढ़या से ना खूब जी लाग पढ़या है, जब इसने उल्टा सीधा काम करना होता तो तेरे पीछे ना उड़ा दे इतनी तो। और तुम उड़ान के ना कह जा नौकरी मिल रही कर ले अपनी ने। कोई बात नहीं बाबू, जाने दे नहीं तो फिर। और भाई मेरा एक फोन जरूर लगी उड़ता है ले गांव ना वश्या मंगते फिर गए पल्ला डिमांड धरन लाग गए तड़के गांव छू छू करेगा। अगजे हूँ तो टोटम भड़ बढ़ाऊ से दवाई जाता है कि पैसे कौन है, और हूँ छोरे ने भी देश भेजेंगे। काम वाह वाह करेगा, जिस दिन तेरा छोरा कामयाब हो गया इसे इसे सारा गांव में प्लाट लेकर घेरेगा, लोग इतना न्यू भी कहेंगे के बात है, सारे काम नहीं रहेगा के आगे की सोचा कर, सुथरी सोचा कर, बूढ़ा नहीं सोचना चाहिए, सोच तक दम सुथरी लो, जो बनाएगी वह बनाएगी। देख ले सोच लिखी में सोचना। ओ अमरूद कटाना करी है कितने लिए ये? तो भी चला जाना बाहर, इस घर ने बेच दे, सारे के सारे दौड़ जो इस घर में। क्यों आड़ी बात करना करी है? मैं आड़ी बात करने लग रही हूँ अपने आगे पीछे की, मैं सोच ले ठीक से। हाँ मैं हाँ भरने लग रहा है, एप्पल का फोन चाहिए था ना तो। अरे इसी की मैं बात कौन है यार, इबनू बता उसने सोच रखी है जाना उसने विदेश में, ये बुरा वो रहना नहीं, तो फिर धक्का था उसका मन मार के क्यों भेजा, जाओ तो ठीक से जान दे। तो ठीक से जा, लेकिन मारे इच्छा का बेच कर कहाँ तो जा है, अपने इच्छा का को नहीं बेच सका वो। यार रुपये की एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना, बीच में चढ़ा काम हो जाए ना, ये तो विदेश जा पाओगा वह जगह बिक जाएगी, क्या करेगा फिर? ठीक तो पूरा ही बेचना पड़ेगा वो। सारे ने बेच दो, एक काम करो घर में एक आधी टूम रखी होगी ना, वे भी ठाकर बेच दो, उनका भी कोई काम को नहीं अड़े। मैंने को जान देने का कैसे नहीं करा कर रीना सुनोगी इन लोगों की, ये देख किस तरह नाक मारना ना करें। वाह क्या करेगी, कुछ को नहीं करे, उसका तो बढ़िया है विदेश चला जाएगा, आप ही पड़े रहेंगे इस ढूंढ में, सारा का सारा हिस्सा उसके मंडा आ रहा है, थोड़े दिन में वो अपनी लगाई ने भी बुला लगा, तू बड़ा रही हो रही कपड़े की दुकान में। मैं वही कैसे नहीं करा कर, अगर मैं जा लेने दे उसने। जो जायज बात बोल रहा है ना तो वो हमेशा खैसी लाग गया करे कि घर में खैस करने लग रहा हूँ। अरे तुम मेरी भी नौकरी लग जाएगी, कितनी कितने फार्म तो मन भर रखे हैं, आज लग तो लगी को नहीं आगे के लगेगी। कोई बात ना, इतनी लंबी लंबी बात ना मारे, तेरा घर भी सही है ठीक से। मैंने नू को नहीं कहा कि मेरा घर अमीर से, लेकिन थम अपने बारे में तो सोच लो, अगर बालक आवेगे वे भी नू ये रूल दे अंडे के माटी में, मेरे घर पाछे पड़ जो। रेखा ए, ए रेखा। हाँ आजे काकी। क्या कर रहा है? पीछना करूं थी, आजे बैठ जा। आजा जा ले ले। इसको कौन है बैठा जमर पर? ले या ले ले। पटड़ी ले तो। फिर तू और मैं तो बैठ जाएंगे, पहले भी मुझे बैठी थी, फिर मन तो ले ली। अच्छा क्यों हो रहा है इनमें सड़सी सड़सी होगी? ना पीसना करूं थी तो ठीक है, गोली तो बुआ दी थी मन तो। अच्छा हाँ। ना सही है हाँ। पंखा गबर सा ले, पंखा गबर सा का है, अरे फिर मखा ले मोटा मोटा चुग दूंगी, एक आधा डंगा होगा ना ठीक से। हाँ
वो मत एक काम आई थी तेरे दूर। के काम आई थी बता। नहीं थी वो बड़ा छोरा नहीं है। हाँ। वो विदेश जाने की का है। अच्छा। तो थोड़े पिशे की जरूरत पड़ रही है साधन। कितने एक चाहिए? वो तो 10-1 लाख लागेंगे। हाँ। पर और तो जुगाड़ हो रहा है। हाँ। 1 लाख की कमी रह रही है तो 1 लाख रुपये दे दे तो तेरे दे देंगे। छोरा ने कहा उड़ा जानती है भेज दूंगा मैं रुपये। तू 1 लाख रुपये की बात कर रहा है? तू छलाई के तो दे दे 2 रुपये। कितना उतना रुपये आगे मुँह ठाक है तो नुकन दिखी छलाई भी ना दी है। जरूरी है विदेश में घालना ना ही पीछे तो है। बेटी तेरे छलाई के भी देंगे। अरे छोरा है ना नुका था माँ आए महीना खूब पैसा भेजा करूँगा और तेरे अंतिम रुपये दे दूंगी। ले बेबे इस बाबत से तू लिखवा ले पैसे। देखा कि ये जोड़िया कौन अलग के हाथ अपना घर न जा। कितने दे दू मैं तेना रुपये? क्यों कर एतबार कर लू तेरा ऊपर? और कितने देख लिया अपना आ जा मुँह ठाक है। पहले डे तो दिए ना जान दे अगले और तैयारी करना आ गई। रेखा मजबूरी में आई हूँ बेटी ना तो किसी का घर मांगना अच्छा। फिर जरूरी था क्या विदेश में घालना? मजबूरी नु तो हम भी घाल दें। आ जा बता के करना गल है जब ना ये जुगाड़ है तो पूरा एक क्यों न कर खा ले के मैं धंधा थोड़े काम है यार। होली है कि तैयार हो? तैयार तो हो गया। और फिर क्यों वार कर रहा बेटा बुला ले? मां चला जाएगा बात करता होगा भाभी देंगे बतला लेने दे। ये बाकी मानो को माँ नुए टेंशन ले रहे थे रुपया जुगाड़ कोने होगा वो कोने होगा हो गया ना सब किमी भाई। मेरे भी न्यू बेदन हो रही थी अगला कहवा है तो भेज दो कम दम न्यू तक होगा। अगर भाई जब पैसे दे दें अगर के तो मोड़ भी रहना के कमा लूँ है। अरे उनका रेखा और गई माँ चाची रेखा और गए उड़ा तू खाम खाम गई मैंने बेरा था 2-4 हज़ार रुपये तो साथ दे कड़न दे थे माँ। 2-4 हज़ार की बिना साथ दे उसकी नीत गणी माड़ी है ठीक है। एक दिन बाड़े थी 2 रुपये ले। हाँ भाई हो लिया तैयार। चल चल मेरे भाई लखी में पैसे और ले जा। कितने एक देगा बाबू उस दिन भी तो पूरा झोला ले आया था वो सारा नुकी नुकी पीसा है। तो भाई उठ जा से उठ जरूरत तो पड़ेगी फिर उठ किस पर मांगे गायो न्यू बताओ। वह पैसे दे दिए होंगे जमा करवा दिए होंगे? सारे जमा करवा दिए माँ। कागज कुगज के मैं कागज अगला नू लिया एयरपोर्ट पर तो ना सारे मिल जाऊंगे। अच्छा ये बेटा देख विदेश का काम से और किसी ना जानता ना पहचानता ना थोड़ा सा दिमाग तक काम लिए बेटा संभाल के जयर बड़े चीज दे लिए पहचान। आजकल देख 100 रुपया पैसा ना जब बड़े आदमी ने मार दिए हैं पर तो इतने रुपये गाल के ले जा बेटा। माँ दूध पींदा बालक कौन मैं बड़ा हो रहा हूँ। अरे मन्ना तो 20-1 लाख को होता हूँ क्या करूँगा माँ की ममता इसी हो। शहर में कौन जाता दूसरे देश में जाऊँ हूँ। हाँ मन्ना तो कभी नाम भी ना सुना भाई जज मजाक माँ भाई जी दे चिंता हो से न्यू न्यू सुनिया से दूसरा देश न्यू ना मेरा किसका हो। अब जाओ हम बैठ के ऊपर तो जाओ ना भाई हाथ ला दिए मान बाय बाय करिए ठीक से। तो दिख जाएगा तू दिख जाएगा माँ तन्ने तो दिखूंगा। फोन फोन करते रहियो और पर फोन कर पहुंच जा जिद बता दिए चल मैं छोड़ दे वहां ठीक से माँ। हां ठीक से सुतरी तरिया है आ तो चलेंगे अच्छी दा बैठाइए भाई ठीक से बाबू। एक बात कर से बालक देना वो तो जा अगर सुनना है पर क्या करा नौकरी पैसा करा बिना बिना बात बनती अब मैं क्या है दिन के हूँ दोनों जने तो कि मैंने कि मैं तो हाथ गलवावा तो अपने तो सारी जिंदगी होश है वो बीमार टूटे पड़ी ले ठीक से इसका मन में थी करया होगा ली कोई बात ना कि मेरा चोखा रुपया कमा ले सुदन देना आ जा हाँ। भगवान जो रास्ता दिखावा है ना वो ठीक दिखावा है। दिल दीवाना पागल मेरा हो गया दिल दीवाना पागल मेरा हो गया दिल खो गया तेरा।
प्यार में खो गया। आज पूरे 18 दिन हो गए क्या उसका कतिये याद ना आती। एक बार भी फोन कर कर इन्नू को नहीं पूछन जोगा होया तू ठीक से है, बालक ठीक से है, माँ बापू ठीक से है। रीना क्या करने लग रही है और रोवे कहता है? और क्या करूँ रजनी, तेरे जेठ ने देख देख ले कितने दिन हो गए फोन कर लिया करता, अरे आज एक एक दिन काटन लग रही हूँ मैं। पूरे 18 दिन हो गए रजनी फोन करके भी नहीं पूछा उसने। कुछ हो तो नहीं गया होगा ना उसके? ना ना तू टेंशन ना ले, बाहर जाकर शिफ्ट लगानी पड़ जाए दिन रात की, टाइम को नहीं मिलता। रजनी इसी के शिफ्ट अरे सब के काम, हक उसने एक मिनट ना मिलती फोन करती। एक बार फोन करके नैनो कह दे वह मैं ठीक सू, उससे मैं सबर हो जावे। पर मन ऐसा लगा रजनी कि मैंने कि मैं उसकी के बात बन रही है ना, तो वो ऐसा कदे भी ना करे अगर तक फोन ना करे। तो खाम में खा टेंशन कर रही है, वो सुख शांति और पहुँच लिया ना पहुँचता होंदा जब भी सोच करने वाली बात थी। हर किसी के नीचे काम करना हंसी खेल की बात को नहीं होंदी। तेरी बात ठीक है रजनी, पर मैं अपने मन ने क्यों कर समझाऊँ कि उसका एक बार भी याद ना आती। अगर वो एक बार फोन कर कर मेरे बारे में पूछ ले, अपने बालक के बारे में पूछ ले, ऐसा भी के काम होया करे। कोई बात नहीं तू शांत हो जा, मैं एक बार तेरे देवर ने बोलूँगी, वो फोन करके देखेगा। हर जगह की मैं दिक्कत तकलीफ हो तो बता मेरे ते, चार डॉक्टर का लेकर चालू तने। बाबू हाँ भाई ले खड़े हो दवाई ले ले ले। उस काम की मैं फोन फान आया भाई गिला आया। हाँ वो क्या हम फोन करेगा बाबू, बड़ा आदमी हो रहा है, लाट साहब ने नंबर बदल लिया होगा। क्यों हो गया माँ? तू नौकरी उठ को नहीं गया दुकान पर? दुकान पर तो बाबू कल वो उड़े बिजली का फॉल्ट फुल्ट हो गया कि मैं कपड़े की दुकान नहीं थी, आग लग गई उड़े तो सारी। अच्छा बेरा कौन माँ, वो चालू छोड़ के चला गया हो लाइट लुइट उतार तुर बिड़ गए। दो बड़ी ना दो साड़ मड़ा सा पानी निकल रहा था, फिर भाई बड़ा नुकसान हो गया के नुकसान तो होगा माँ। वो सेठ भी हॉस्पिटल में ही तो वो देगा लग गया उसके भी। तो बाबू तू गाँव में क्यों सोता है, तेनू बेरा ज्यादा दिक्कत हो गई छाया हम लोग तू ज्यादा लग गए से पूरे लत्ता उड़े पारे पट दी से। क्यों गया माँ तूनू किस तरह ढिली ढिली हो रही है? ना तो चल ले जा रहा कहीं तो नहीं है, तो वही खत्म हो रही है ना बैठा जनता लास्ट। मुसीबत होगी बेटा तेरे दवाई ले हूँ। तू कितने ले आके देगा भाई? देगा दवाई यह दुकान थी या भी छूट गई बाबू? या तो उसने सोचनी चाहिए, उन्हें जाया बचा एक बिना सारा हो गया, उन्हें एक बार भी फोन कराया हो तो क्या की चिंता है भाई। उसने बीच में तो कर लिया करता भाई, बढ़िया काम है, बढ़िया सेटलमेंट हो गया तेरा भाई, ये बात कराया करता तो भाई ये सोच लिया संभालना जाया बच उन्हें क्या ना कर दिखा था जित मार था बड़ी बड़ी मैं लू कर दूंगा लू कर दूंगा। हाँ तू तो जमा ठंडी हो रही है भाई को ती सारे नस एक एक नस दुख है मेरी तो ना मेरे पांटे करिए पर चक्कर हुआ हूँ। चल तो माँ मैं कपिल तो पूछू हूँ दवाई दुआ के लाऊंगा तेना। सुनो के दवाई तो जिज्जी की भी आवेगी। क्यों या भाभी का? अरे बालक से पेट में अरे बेटा मेरी दवाई जरूरी को ना या चेक करवानी जरूरी है तू नो कर इसने दिखा ले बेटा हॉस्पिटल में कर। चलो अभी फिर दुआ ले हूँ दिखा ले भाई या तो काटा कूड़ा देख अपना चल जा काम
और मां ज्यादा दिक्कत हो तो तू भी साल है बेटा रे मैं तो थोड़ी सी देर का ना हर पता से पुतु से आगा डाली लूंगी मैं लाऊं हूं बना के काड़ा तो हां थम ले जो ले जा आजा भाभी जा जी जी आराम से जाइए बेटी ठीक से मां क्रिया चेक करवा के आइए अरे दवाई बिठा के दरिया मां बाबू का दौरा दरी है ले जा बेटी जो एक लाख किता है भरे वो करया करता दो पैसे की नौकरी वो दुकान माया गला एक वो भी बंद हो गया कि डाल पाला पट है वह समझ मान दी ना उसने तो कि मैं सोचनी नहीं घर के बारे में वो के सोचा था सोच साझ ली उसने तो उसका ताड़ा तो जान का तगाजा था उन्हें नू थोड़ी ना बेरा था अगर मेरे माँ बाबू दुखी होंगे एक मेरे भाई पे एक लेप किए बीतगी एक कमानिया 70 भूत खानी है ये बुआ बात से जी तो इसका भी सब चेहरे का कितने हाथ पाँव मारेगा अब तेरे के दिक्कत हो रही है वह बता देना क्या अंदर बाज ध्यान रहे कदे नहीं ना बाजा है कदे नहीं ना बाजा है के बात हो रही है कुछ ना हो रही तो फिर जो बात सब बता दे के बात बताऊं तुमने कौन दिखा आंख कौन दे रखी राम ने थारे तो इमनो बता के करूं मैं बाबू ने किते काट दियो उसने किते काट दियो कड़ा जाऊं मैं किसने किते ना काटो मन ना काट दो ठीक से अपने बारे में तो कि मैं सोचना कौन तुमने इब अपना बारे में किस तरह सोच ले नु बता कितने लोगों की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है माँ की बाबू की भाभी की तेरी और उसमें मैं अपना बारे में सोचूंगा उसकी दरिया तो कर नहीं सकता मैं वो थोड़े जाके ना बैठ गया करके फोन बंद इब घर कैसे किमी कर दे हंडे जाओ उसमें तो परवाह है कोनी कोई तो होना चाहिए ना करना है जो इस घर ने संभाला तो तुमने सबका ठेका ठा रखा है कि कर दो इसके घर का ना फोन ले जागे तने बेरा भी है जापा में कितना खर्चा लगे करे कहाँ तक करोगे और किस किस का करोगे तो इमन बता मो समोसे दो फोन करके मनु को ले जाओ तारी छोरी ने मारा छोरा तो गया बार ने तो छोरा के पते निकाल लो कि तो बस रहा है कितना ही जिंदा भी है या मर गया क्यों बकवास करने लग रही तू पिटने वाले काम कर है एक तो जबान ना संभाल दे मैं जबान ना संभाल लूं कब तक बर्दाश्त करती रहूंगी मैं अकेली मैं ही क्यों पीसूं इस घर में हां तू ये तो पिसने लग रही है बस तने दो दिन ये रोटी पोनी पड़ेगी उसकी तबीयत खराब होगी बात रोटियां की ना है अपने सौ प्लाटा होता वो बिक गया ठीक से कुछ दिन में यूं घर भी बिक जाएगा ही ना लाता मैं अकेले कितना करोगे थम तने घर टेंशन हो रही ना एक काम कर अपना बांध ले बोरी बिस्तरे रे चलता ना घर ना छोड़ा हूँ तू घर ना रह लिए ना ये तो तेरे पर कोई काम करवाओगा और ना तने इससे की टेंशन यही तो बात से ना कि दूसरा के चक्कर में अपनी झोपड़ी माग लगा लो लेकिन नू कोनी की पहले अपना ही घर बसा ले बैठ कर तो बसाने दोगी इस दिन है संभालने की कोशिश करने लग रहा हूँ ना के संभालोगे कल ने मैंने भी किसी चीज की जरूरत पड़ा है डरती कहती को नहीं हूँ अपना हाथ पाछे रोक लू मैं एक बात होता कल ने मेरा भाई उल्टा आ गया तो क्या कहा हुआ वो भाई कौन सा भाई तुम तो उसने छोड़ा है मेरे पास से खर्चा ना हो ना तो बेशक रख ले एक पेट को नहीं दो पेट हो रहे हैं हमें ठीक से सोचूंगा मैं सोचोगे करे जाओ हो मेरी बात तो सुन लो एक बे मेरे तो कह दिया सामान ठाकर गंडा चली जा ताई राम राम ताई हाँ भाई राम राम ताई हाँ राम राम बेटा राम राम और ताई ठीक से ठीक ठाक भाई अपनी सुना रहे कपिल बढ़िया आता है और भाई और कित गए कित जा रहे गरने तो है कोनी के काम था वो जॉइनिंग लेटर आया था ताई मुकेश का जॉइनिंग लेटर हाँ नौकरी लग गया ना नौकरी लग गया मुकेश हाँ नौकरी लग गया ताई अच्छा देखिए बू पढ़ी हो माम ना कड़ा इतना ज्ञान से वो ऊपर डगा के ना नौकरी लग गया भाभी मुकेश अच्छा अच्छा तो बहुत बढ़िया सुना आए मीठा मुँह करवाओ ना कपिल का और ना तो चाय बना दो बरने ना ना ताई वो और आते तो बांट के आनी है ना अच्छा ठीक से बेटा यो जॉइनिंग लेटर आया था रा जॉइनिंग लेटर आया क्या नौकरी लग गया तू माँ हाँ देखा हूँ था ना मैं अच्छा टाइम आ गया अपना ये बेटा भगवान ने खूब बढ़िया सुनी है देर आवर दरोस्ता हुआ है नो तो ठीक है लेकिन एक भाई थोड़ा विदेश में जा रहा है ने एक हाँ, भाई विदेश में जा रहा है भाई वो विदेश में चला गया था उसका भी सरकारी नौकरी का आया था ये जुन्ने ले हां मैंने दे रहा था मैं लग रहा था अरे भाई ए, मेरे बेटा बाबू के थमा बाबू ने बोले बाबू
अरे बा वो बरने न गए यो आया था ले यो तेरा बाबू आ गया ए ताओ बैठ जा की चल रहा जी हो रहा सारे हाल कोने होना चाहिए के लेवाड़ा आ जा बैठी बैठी रह के छोरा नौकरी लग गया तेरा अच्छा सरकारी ये तो भगवान ने चौकी सुन दी भाई और कौन कौन लागे पहले दो जने और लागे है बस तीन लागे हम तीन लागे ठीक सताई में जाऊं फिर अरे इतने बड़े गांव में तीन जने लागे हैं बस देख ले मां खूब बात कर रखी थी नजीद लागे हैं पढ़ाई में के दिन रात एक कर रखा था वो तो वाई बात से करम लेट तक खुले ना तो इतनी तक कमा कमा का घर भर दे हैं कोई बात ना मां अब देख भाई आओगा जिद भी देख लेंगे इतना आपा तो साई घर ना और घर में यार बेटा दो पीछे का रोजगार मिल गया मेरे हाँ और ये या बुझ बुझ कर आकर के सारे काम माँ मीठा क्या का बनाओगी घी खत्म हो रहा है तड़के भी रोटी आज चुपड़ी रहेगी थी कोई बात ना माँ नौकरी का नाम में बहुत बड़ा हो है इब जाके बताऊंगा ना नौकरी ला क्या उधार फेर देना लग जाएगा उधार इब तो तार देंगे ठीक है अर्जा दी बेटा एक किलो घी अभी तो आस हो जा अरे भाई भाई आ गया भाई राम राम अरे तेरी राम राम तो ले ली तेरा फोन फ्रेश है तो देख तो मजा माय बदल गया भाई हां मैं ठीक सुन रहा हूं ठीक से सर हां तो ठीक सा आज तो भाई छोरे ने फोन करया ना और ना दोरा खुशी है, है। यो सोची मां सरप्राइज दियो था अपने जाके आज बैठ तो जा जे बे आज बैठ जा तू किस तरह से खा रहे भाई तेरा भाई नौकरी लग गया तने तो करी नहीं इतना भाई करेगा नौकरी चलो अच्छी बात से अभी अरे फिर तेरा तो विदेश जान का भूत सवार था मां छोरे ने विदेश से भेजो देखी जागी अरे सुथरा सुथरा हो रहा तू तो ये पट्टेड़ लते ना पहरा कर भाई मां हां फैशन से विदेश का यो यो की सब फैशन यो की सब फैशन गब्बे पट्टेड़ और थेकली लागी पड़ी है इनके तो मां ये भी फैशन थम भी करोगे सारे जने क्यों भाई नौकरी तो ठीक है पर मैं नुगूं था अक्सारे घर के बाहर शिफ्ट हो जावांगे घर बेच देंगे अड़ तो के कह लग रहा भाई वो कि मैं सोच भी सकना या पुश्ते नहीं जमीन से मारे बाप दादी अपना गुजारा करके गए हैं इसमें और मत भाई सदा जमीन तरह है जुड़िया उड़ा मेरे बस की कौन है कितने जाना सुरेश भाई बाबू ठीक करने लग रहे हैं और मैं दोनों को हूँ तू भी रहने दे यार विदेश जाने तू अपना दौरा उरा करना रहे तेने बेरा तेरा जाया पाचा कितनी दिक्कत हुई यार तेरा भाई पे इन भाभी की तबीयत खराब हो जाती कदे माँ की तबीयत खराब हो जाती भाई मैं कहूँ तू भी उरे रहे सारे एक साथ रहवांगे आपा बेटा बाहर जाओ कमाओ पर यो नहीं अगर उड़ जाकर ना माँ बाप ना भूल जाओ ये तो भूल गया था माँ फोन करना भूल गया हाँ किससे की भी याद ना आई के करोगे भाई उन फोन ना खत्म है फोन खो गया था पर फिर नंबर किस पे लेऊं थारे सारे बाबा फोन तो याद आई हर फोन तो मेरे खातिर भी लाओ था तेरे खातिर तो जीत ले आऊं जी अपना संभाल दे अपना ले खोए बैठे है फिर ले आऊंगा और फिर देख ले मां अक्ल नहीं लग रही नु कहे काम करा हां घर ने बेच के सारे चलना हां मेरा नहीं नहीं सिक्के से मेरा जी दे जी दुख पा रहा था जी वो प्लाट बेचा था बस चिंता ना कर बाबू इससे जगह पे ये देख तेरा छोरा एक नंबर की कोठी बना हुआ हां बना दी बेटी बना दी बड़ा भाई हो गया तू ये काम करना रहा के बात हो रही है भीतर का जाके ना बाबू फांसी का लड़ना करया था क्यों रे चल रहा था के बात भाई के बात हो रही है ईव तो तू आया है घर ने अरे तना आया ना बार ना यो के कांड करया था तू तो बाबू के करूं जी का फायदा भी के है मेरा क्यों तो बात भी होई होगी कि मैं बताऊंगा कि मैं विदेश तो मां कदे गया है कोनी मैं क्यों इतने दिन था कि तू भाई फिर तू विदेश ना गया तो बाबू माँ वो मेरे तेनू कह गया 10 दिन में काम बनेगा 15 दिन में बनेगा थोड़े थोड़े करके मैं उसने 10 लाख रुपये और दे दिए और ब्याज ने ठाकी ने पर ये वो जमाए ना अट गया अक बोला मेरे बस की कौन है पर जिन पर मैंने रुपये ठाए थे माँ वे तो मेरे कुर्ते पड़ना जाए तो मैं घर ना आया था यो घर बेच के ना
उनके रुपये दे दूँ। जब तेरे फोन फान सारे टूट गए थे, फूट गए थे, बेच दिए थे, तो किसी के फोन पर तब फोन करके बता सके था। अग माम मैं इस दिक्कत में हूँ। अरे अड़ा हमने सोचा अग छोरा बेरा ना क्यों फोन ना करता। अरे कदे की नौबत आ गई थी तो मैं उल्टा करना आ जाता। मैंने नु सोची मेरी वजह से घर में इतना कलेश होया है, मेरी जिद की वजह से तो किमें करके आऊं। भाई मेरे करया है ना बेटा, तू विदेश में जाके किमें ज्यादा कमाऊगा, इतना पढ़ रहा है लिख रहा है, पूरे थोड़ी जगह है यार। थार ते तो अनपढ़ ठीक है, वो कम से कम समझ है। थार तो पढ़े लिखे भी गवार सो, तेरे दिमाग में कौन था कि मैं भी नु क्या कर। अक्सुक की तो दो रोटी बतेरी ठीक, और तेरी नौकरी अड़ रही रहा है ना, तम इतनी तनखा में गुजारा कर लिया है। और तो यो कदम ठान चल पड़ा, कम से कम बाबे के बारे में तो सोच रहे, जो बालकान आला उसके बारे में तो सोच है। अरे तू तो बाप बनना हो रहा, और तू तो इसे कांड करता अंडा है। तो तेरा भाई नौकरी ला गया, तार दे गर्जा क्यों डर रहा है, रो ना ही फिर मिल जाएगी तंत्र बता। रो ना मेरे भाई, कि मुसीबत में अपना परिवार ही अपने साथ खड़ा हो सारे जने रल मिल कर। नो हिम्मत आ रहे तो काम थोड़ी चलेगा। बावला है ना कौन सारे तेरे अपने तो हैं। क्यों भाई राजी हो गए तो हैं, बड़ा क्या करता मेरा यार से, मेरा लंगोटिया से मेरे बिना टूके ना खा, इब क्या हो गया मारिया ने उससे न मोद मुंह यो था के यार ना आज उजाड़ के धर दिया सारा घरे मारे से बात ना हम कराए यार ना। बस बाबू ज्यादा ना कहो है, चलो भाई मिठाई लेके आवांगे, तेरा भाई नौकरी ला के रहा जा। मिठाई ले आऊंगे उजाड़ के। बोल दे, देखा है तू बता दे। देख लिए भाई जो लालच करया करे ना, सरकारी नौकरी मिल रही है लेकिन उसकी जो पेट की भूख थी, पैसे की भूख थी, उसने विदेश जान खातर मजबूर कर दिया और उल्टा घर ले आकर धर दिया। घर ना तो आना है था उसने, बेराए था जो आज का ये के बोला हमने सुसरे बोलने बिना दे डोंकी पोंकी के हो से उनने खाली रपी आठन का से भोले भाले लोग फुद्दू बनाओ से ये पैसा अपना घसुटा अगला चाहे मरो चाहे उसका कुनबा मरो। तो भाई मड़े से थोड़े सोच समझ कर करया करो, यो लालच है ना यो ठीक को ना। अरे भाई जी सना तो तू डटता तो कौन है, तने मेरा मजे के न्यू न्यू करड़ लागी चुप हो जा। तो तने मेरा बेरा खटका चालू होया पाछा बांध डटन का ना बेरा, और जी अपना घर ने को ने कि मैं तो बाहर ने किसे गुलगुले मिले थे। तू तो करया करे फालतू बात, राम राम कर दे बिन्ना। राम राम भाई।